गुड मॉर्निंग सर। 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 गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? आई एम फाइन सर। फाइन एंड सर। ओके ओके। नाउ स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हां गलती हो मैं सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर व्हाट आई वांट टू से, आर यू लिसनिंग मी? आप लोग सुन पा रहे हो मुझे? हां यस सर। Are you Kumar Singh? आप सुन पा रहे हो? Yes sir. Yes sir. रे बाबा बम ब्लास्ट कर दी। बूम। अभिमन्यु सिंह। बम स्क्री क्या गए? अभिमन्यु सिंह। अभिमन्यु। आयुष प्रताप। अंश प्रताप। अंक बंद कर दीजिए। अभिमन्यु। अब यार। बात तो नहीं समझ रही। आप अपना माइक और कैमरा ऑन कीजिए। एंड बी रेडी फॉर योर क्लास। कि तुम लोगों का कितना हेलो तुम मतलब एक और वैष्णवी सुन रही हो मुझे? वैष्णवी सुन रही हो मुझे? वैष्णवी बात बहुत हो रही है मैडम, टॉकिंग टू मच, बहुत ज्यादा बातें हो गई हैं। हाँ बातें बहुत ज्यादा हो गई हैं। Now, do you know what was going on in our previous class? Do you remember? What was going on? Yeah. Huh? Anybody? Can you tell me what was going on? Okay, students. In our last class, our chapter number 7, that is experiment with water. What's going on? We were going through the chapter experiment with water. Okay. And in this chapter, we saw in our previous class that which things float and which one sinks in water. कौन सी चीजें जो है पानी में तैरती हैं और कौन सी चीजें पानी में डूब जाती हैं? Okay, do you remember which things float and which one sink in water and why? Students, so in the chapter experiment with water, we have seen a few things around us float, whereas some things sink in water, and it depends on the shape of the object. If it is able to displace more water than its weight, it will float, and if it does not displace more water than its weight, then it will sink. So this is the main reason because of which a few things float and a few things
also sink in water. We also read a poem in our previous class. Let us revise it once. What was in the poem? Why? Oh, why? ऐसा क्यों होता है? A wooden boat in water will float, but a needle will sink. A wooden boat in water will float, but a needle will sink. Why does this happen? Let me think. An iron ship will also float. An iron ship will also float, though it's much heavier than my boat. An iron ship will also float, though it's much heavier than my boat, but a needle light as a leaf. But a needle light as a leaf and thin as a pin will sink right in. Why does this happen? Let me think. So this was a poem in which poet has asked some questions, that why few things which are lighter in weight in comparison of others sink down at the bottom of the water, but the heavier things like ship floats in the water, whereas light as a needle sinks in water. And why these things happen, he wanted to know. Okay, so I also told you in our previous class to do an experiment to check whether the given things in the table floats or sink. ये जो दी हुई चीजें हैं आपके टेबल पे, ये तैरती हैं या डूब जाती हैं? ऐसा एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैंने आपको प्रीवियस लास्ट क्लास में, जो हमारे पिछले वीक में था थर्सडे को, उस दिन मैंने कहा था. आई होप यू हैव डन. मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट जरूर किया होगा. कितने लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है, या मैं भी जान लूं? यस सुगांशु, यू हैव डन. सर मैंने भी किया है. वेरी गुड. क्या देखा था आपने बेटा? आपने टेबल को भगा था? यस सर. हाँ तो बताइए, एम्प्टी बाउल विल इट फ्लोट और सिंक? फ्लोट. पहले आपने क्या सोचा था कि वो फ्लोट होगा? देखिए, इस बॉक्स में हमें दो कॉलम बने थे, हमें अपना गैस भी लिखना था और एक्चुअल रिजल्ट भी लिखना था. तो गैसिंग क्या थी आपकी? आपने क्या गैस किया था? क्या अश्वनी, एंड आर्यन गुप्ता, तो बताइए आपने कोई ऐसी चीज देखी जो आपके अनुमान के विपरीत जिसका रिजल्ट आया हो? आपने गेस किया हो कि वो सिंक होगा और वो फ्लोट होने लगा, ऐसी कोई चीज? सुगांशु, हाँ कौन सी चीज आपने गेस की थी? हाँ बताइए, कोई अनुमान? क्या चीज, कौन सी चीज थी वो? कहाँ जब पड़े हो? ओके, कबू को बचा ली. अग्नाव, अग्नाव तुमने किया था बेटा, चेक किया था? पहले अपने आप को अनम्यूट करो. अग्नाव अनम्यूट करो अपने आप. हमारी बाची शूट ले रे. अनम्यूट करो अपने आप को. अग्नाव चलिए करो. साइलेंट सर. हाँ तो वी हैव सीन दैट एम्प्टी बाउल और कटोरी विल फ्लोट इन वाटर, वेयर एज इफ वी
put pebbles in it. मारूंगा ना तो रोने लगेंगे जान जाइए. मारूंगा ना तो रोने लगेंगे. Let me mute you all. A few disturbing elements are there who are not going to listen anybody, and they will disturb others also. Okay. Yes, sir. So here are some questions related to the topic. बेटा आप cooperate नहीं करोगे तो कोई discussion यहाँ नहीं हो पाएगा. I am asking questions from you and you are busy in your own chatting. Now here are some questions. Find out from other group which things float and which ones sink in water, and after doing the experiment fill in the blank. The iron nail dash in water, what will happen with it? It will sink. Iron nail sink in water, but the katori floats. Right it. The iron nail sinks in water, but the katori floats. And I think this happened. मुझे लगता है कि ये घटना ऐसी हुई because a katori or an empty bowl displaces more water than its own weight. एक जो कटोरी होती है वो अपने वेट से ज्यादा पानी को डिस्प्लेस कर देती है, हटा देती है, जबकि कील अपने वजन से ज्यादा पानी को डिस्प्लेस नहीं कर पाती और इसीलिए वो डूब जाती है. तो किसी भी चीज के तैरने के पीछे, डूबने के पीछे क्या कारण है? आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट नाउ. आप समझ सकते हो कोई चीजें क्यों डूबती हैं और क्यों तैरती हैं. अगर वो चीज पानी में जाने के बाद अपने वजन से ज्यादा वजन के पानी को हटा देती है, डिस्प्लेस कर देती है, तब तो वो तैरती है और नहीं तो वो डूब जाया करती है ना. अब देखिए, द एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल डैश ऑन वाटर, सिंक्स ऑन वाटर और फ्लोट ऑन वाटर. डेफिनेटली एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल विल फ्लोट ऑन वाटर. एंड द बॉटल फिल्ड विद वाटर, और जो बॉटल उसी को अगर पानी से भर दिया जाए, इट विल सिंक बिकॉज द रीजन इज सेम. फिल्ड वाटर बॉटल इज नॉट एबल टू डिस्प्लेस मोर वाटर इन कंपेरिजन ऑफ इट्स वेट, वेयर एज एम्प्टी वाटर बॉटल कैन डिस्प्लेस मोर वाटर देन इट्स ओन वेट. And so, empty water bottle will float, whereas filled water bottle will sink. The aluminium foil, when it was spread out, aluminium ki foil sheet ko agar phaila diya jayega, definitely it will float. But when it is pressed tightly into a ball, but if we press this foil into a ball tightly, it may sink. And this may have happened because, and it will, why it will happen? Again, the same reason is here, because the tightly pressed ball is not able to displace more water than its own weight. वो अपने वजन से ज्यादा पानी को displace नहीं कर पाएगी और इसलिए वो डूब जाएगी. Okay. Now see, on the next, look at the next page, page number 63. Is it magic? क्या ये जादू है? Decide yourself. आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप खुद डिसाइड कीजिए कि ये मैजिक है, ये जादू है या नहीं है. Let us see what is there. वैष्णवी खाना वाना खा के बैठा करो भाई आप लोग. चलिए So students, here we are going to see if it is magic or not. देखते हैं हम खुद, पहले करते हैं. When Aisha woke up in the morning, जब आयशा सुबह उठी, when Aisha woke up in the morning, अम्मी had fever. तो अम्मी को बुखार था.
अम्मी हैड फीवर. अबू मेड सम टी एंड वेंट टू गिव मेडिसिन टू अम्मी. जब आयशा सुबह उठी तो क्या हुआ, अम्मी हैड फीवर, उनकी मदर को बुखार था. एंड अबू मेड सम टी, अबू ने उनके लिए चाय बनाई, उनके फादर उनके लिए चाय बनाई. एंड वेंट टू गिव मेडिसिन टू अम्मी, और उनकी मदर को मेडिसिन देने के लिए वो गए. ही टोल्ड आयशा, और उनके फादर ने आयशा से कहा, क्या कहा, यू बॉयल एग्स, आप कुछ अंडे उबाल लीजिए. यू बॉयल एग्स, आयशाज फादर टोल्ड हर टू बॉयल एग्स. ऑल्सो पुट सम सॉल्ट इन द वॉटर, और उन्होंने क्या कहा, पानी में थोड़ा सा आप नमक भी अवश्य डाल दीजिएगा, है ना. ऑल्सो पुट सम सॉल्ट इन वॉटर. आयशा टुक वॉटर इन अ पॉट. अब जैसा कि फादर का इंस्ट्रक्शन था, आयशा ने क्या किया, सी टुक वॉटर इन अ पॉट, एक बर्तन में उन्होंने पानी ले लिया. एंड बाई मिस्टेक सी पुट टू मच सॉल्ट इन द वॉटर. अब गलती से उन्होंने बहुत ज्यादा नमक पानी में डाल दिया. सी पुट टू मच वॉटर इन द टू मच सॉल्ट इन द वॉटर. देन सी सॉ दैट एग्स एट द बॉटम ऑफ द पॉट कम अप. अब जब बहुत ज्यादा नमक डाल दिया तो क्या हुआ, जो एग्स, जो अंडे पानी में नीचे डूबे हुए थे, वो तैरने लगे. दे केम अप एट द सर्फेस ऑफ द वॉटर अ लिटिल एंड स्टार्ट फ्लोट इन द वॉटर. एंड दे स्टार्ट टू फ्लोट इन द वॉटर, उन्होंने पानी की सतह पर आकर तैरना शुरू कर दिया. नाउ दिस वॉज एन एग्जाम्पल हाउ वी कैन मेक थिंग्स फ्लोट, है ना, हम चीजों को कैसे तैरा सकते हैं, जो डूबने वाली है उन्हें भी. देखिए, हियर इज अनदर एग्जाम्पल फॉर यू, यहाँ एक और एग्जाम्पल है. वॉट यू हैव टू डू हियर, लुक एट द इंस्ट्रक्शंस. टेक सम वाटर इन अ ग्लास, आप एक ग्लास में पानी ले लीजिए. पुट अ लेमन इन इट, आप उसमें नींबू डालिए. एंड नाउ कीप पुटिंग सॉल्ट इन द वाटर, अब उसमें आप नमक डालते जाइए. हाफ अ स्पून एट अ टाइम, एक बार में आप हाफ स्पून नमक उसमें सॉल्ट आप ऐड करेंगे. वर यू एबल टू फ्लोट योर लेमन इन वाटर, आप देखोगे कि आपका जो नींबू है, लेमन है, वो पानी में तैरना शुरू कर देगा. What do you think? The lemon floated in salty water. ये नमक जो है, sorry, lemon जो है, नींबू जो है, वो आपका salty water में क्यों float हुआ? बेटा, जब भी हम पानी में salt को add करते हैं, mix करते हैं, जब वो उसमें dissolve हो जाता है, तो salt water के साथ completely adjust हो जाता है, वो invisible हो जाता है, दिखाई नहीं देता है, जिससे पानी का वेट बढ़ जाता है. ओके, और पानी का वेट बढ़ जाने की वजह से जितना पानी वो डिस्प्लेस करता है लेमन, उसका वेट भी पहले की कंपैरिजन में ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो चीजें जो जैसे एग था यहाँ पर या फिर लेमन था, ये चीजें पानी में तैरने लगी. ओके, तो रीजन यहां भी वही है, जब चीजें अपने वजन से ज्यादा वजन की पानी को डिस्प्लेस कर देती हैं, तो वो चीजें पानी में तैरती हैं. पहले जब हमने बिना सॉल्ट डाले पानी में चीजों को तैराने की कोशिश की एग को, तो वो नीचे तले में बैठ गया, वो तैरा नहीं. क्यों? क्योंकि जितना पानी वो डिस्प्लेस करता था एग, उस पानी का वजन उस एग के वजन से कम था. लेकिन जब हमने उस पानी में नमक डाल दिया, जब हमने पानी में नमक डाल दिया, तो क्या हुआ, वो पानी जितना डिस्प्लेस किया गया, हटाया गया एग के द्वारा, उस पानी का वजन उस अंडे से ज्यादा हो गया नमक होने के कारण. एंड दिस वॉज द रीजन बिकॉज ऑफ विच एग और लेमन स्टार्टेड टू फ्लोट आफ्टर एडिंग सॉल्ट इन द वॉटर. तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट नाउ. नाउ Here we are going to talk about Dead Sea. अब हम एक Dead Sea समुद्र के बारे में पढ़ेंगे. देखिए क्या है, किस तरह का समुद्र है और क्या इसकी स्पेशलिटी है. All oceans and seas have salty water.
ऑल ओशंस एंड सीज हैव सॉल्टी वाटर. दुनिया में जितने भी समुद्र हैं, महासागर हैं, उन सबका पानी सॉल्टी है, खारा है, ये तो हम सभी लोग जानते हैं. बट द साल्टीएस्ट ऑफ ऑल इज द डेड सी. लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे ज्यादा सॉल्टी वाटर किस सी का है? इट इज डेड सी. वाटर ऑफ द डेड सी इज सॉल्टीएस्ट ऑफ ऑल द ओशंस एंड सीज. ओके, एंड हाउ सॉल्टी, कितना सॉल्टी है आप कल्पना कर सकते हो इसकी? इमेजिन 300 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट इन 1 लीटर ऑफ वाटर. अगर डेड सी का 1 लीटर पानी हम ले लें तो उस 1 लीटर पानी में 300 ग्राम्स सॉल्ट निकल जाएगा. यू कैन एक्सट्रैक्ट 300 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट फ्रॉम 1 लीटर ऑफ वाटर फ्रॉम द डेड सी, है ना? तो डेड सी के 1 लीटर पानी में 300 ग्राम सॉल्ट छिपा रहता है, डिजॉल्व रहता है. एंड वुड यू बी एबल टू इवन टेस्ट सच सॉल्टी वाटर? और क्या अगर पानी में इतना ज्यादा नमक मिला दिया जाए तो आप उसको टेस्ट भी कर सकते हो? डेफिनेटली नॉट. इट विल टेस्ट वेरी बिटर, है ना? इट विल टेस्ट एक्सट्रीमली बिटर. एंड इंटरेस्टिंगली, आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा, that even if a person does not know how to swim, she would not drown in this sea. अगर किसी व्यक्ति को पता ना हो कि तैरा कैसे जाता है तो वो व्यक्ति भी इस डेड सी में जाकर डूबेगा नहीं, वो तैरता रहेगा. बिकॉज द वाटर इज मच हैवियर, बहुत ज्यादा भारी है ये, और जितना भी पानी आप हटाओगे उस पानी का वजन आपकी बॉडी से ज्यादा हो जाएगा. आप जानते हो उसमें 300 ग्राम तो उसमें केवल नमक ही है, है ना? और नमक का वजन तो डेफिनेटली ज्यादा होगा ही. सो अ पर्सन इफ डज नॉट नो इवन हाउ टू स्विम विल नॉट ड्राउन इन द डेड सी बिकॉज द वाटर ऑफ द डेड सी इज हैवियर इन कंपैरिजन ऑफ द वाटर ऑफ रिवर्स और अदर सी, है ना? बिकॉज ऑफ presence of too much salt in the water. Okay, so she will float in water even if she does not know how to swim, as if lying down on it. Agar wo keval leti gaye shanti se to bhi uske upar wo tairti jayegi, as you can see here in this picture, hai na? Can you see a person lying on the bed of dead sea, hai na, without making any effort and he is floating on the surface of the water? Okay, bilkul tairte hue dikhai de rahe hain wo, hai na? Kahin doobna nahi hai usme. Okay, so this is the speciality of the Dead Sea, that no one sinks. Everything float in the sea water of the Dead Sea because it is extremely heavy due to presence of salt in it. And if a person does not know how to swim, he will also not sink down. Now, what things dissolve and what did not? अब हम बेटा ये देखेंगे कि कौन सी चीजें पानी में डिजॉल्व होती हैं और कौन सी चीजें नहीं डिजॉल्व होती हैं. अभी अभी हमने देखा which one floats and which one sinks. Just now we have seen which things float and which one sinks. अभी अभी हमने डिस्कस किया कि कौन सी चीजें जो है वो पानी में तैरती हैं और कौन सी चीजें पानी में डूब जाती हैं. एंड व्हाट इज द रीजन, इसके पीछे कारण क्या है वो भी हमने देखा, है ना? एंड व्हाई, विच थिंग्स फ्लोट एंड विच वन सिंक्स एंड व्हाई.
क्यों ऐसा होता है, कौन सी चीजें पानी में तैरती हैं और कौन सी चीजें पानी में डूबती हैं। ओके, आई होप यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टू अंडरस्टैंड विच थिंग्स डिजॉल्व इन वाटर एंड विच डू नॉट डिजॉल्व। कौन सी चीजें हैं जो डिजॉल्व होती हैं पानी में और कौन सी चीजें डिजॉल्व नहीं होती हैं। अब हम क्या देखेंगे, विच थिंग्स डिजॉल्व इन वाटर। कौन सी चीजें पानी में डिजॉल्व हो जाती हैं या घुल जाती हैं। लेट अस सी व्हाट डिजॉल्व एंड व्हाट डिड नॉट इज योर नेक्स्ट टॉपिक ऑन पेज नंबर 63। ऑन संडे आयशाज कजिन ब्रदर हामिद केम टू हर हाउस। संडे के दिन आयशा के कजिन ब्रदर, कजिन तो आप जानते ही हो, आपके चाचा के, मामा के, बुआ के जो लड़के होते हैं वो आपके कजिन ब्रदर्स या सिस्टर्स होते हैं ना। सो On Sunday, Aisha's cousin brother, Hamid, came to her house to play. Aisha ke cousin brother, unke ghar aaye Sunday ko, unke saath khelne ke liye. As soon as he came, he asked his aunt to make his favorite shakkar paara. Aur jaise hi wo ghar aaye, aate hi unhone apni farmaish suna di. Kya kaha apni aunty se? Aaj mera manpasand shakkar paara, jo ek meethi dish hai, उसको बना दीजिए आप। As soon as he came, जैसे ही वो आए, he asked, उन्होंने कहा, his aunt, अपनी aunt से, to make his favorite शक्कर पारा, कि मेरी मनपसंद शक्कर पारा जो डिश है, वो आप बनाइए। अम्मी said, let me come back from the market। तब अम्मी ने क्या कहा कि ठीक है, पर मुझे थोड़ा सा मार्केट से लौट कर आने दो पहले। Then I will make some for you। और तब वहां से लौट कर मैं आपके लिए कुछ शक्कर पारा बना दूं। Why don't you help me? और आप मेरी मदद क्यों नहीं करते हो? Take two glass of water and put a bowl of sugar in it। तो अम्मी ने क्या कहा, आप मेरी मदद कीजिए, लेकिन मदद करने के लिए क्या करना था आपको? Take two glasses of water। आप दो ग्लास पानी ले लीजिए and put a bowl of sugar in it। और उसमें एक कटोरी आप चीनी डाल दीजिए। मिक्स इट टिल इट डिजॉल्व, और उसको आप तब तक मिक्स कीजिए जब तक कि वो डिजॉल्व ना हो जाए, है ना। हामिद थॉट लेट मी फिनिश दिस वर्क फास्ट देन आई विल वॉच टीवी। अब हामिद तो टीवी देखने में इंटरेस्टेड था, सो ही थॉट लेट मी फिनिश दिस वर्क क्विकली, उन्होंने सोचा जल्दी से मैं ये काम खत्म कर दूं, so that I would get time to watch TV। उन्होंने सोचा कि जल्दी से मैं ये काम खत्म करूं ताकि मुझे भी थोड़ा समय TV देखने के लिए मिल जाए। Now, can you suggest some ways, students? क्या आप कुछ तरीके बता सकते हो कि हमिद को ये चीनी, दो ग्लास पानी में एक कटोरी चीनी अगर घोलनी है तो हमिद कैसे ये काम जल्दी से करे? हम चीजों को पानी में कैसे डिजॉल्व कर सकते हैं? कैन यू टेल मी Anybody? जल्दी से अगर घोलना हो चीनी को तो हमें क्या करना चाहिए? Can you suggest some special ways to dissolve one bowl of sugar in two glass of water? Yes, anybody? Gaurav? Sir, गरम पानी में। गरम पानी में, ओके। केवल गरम पानी में डाल दूंगा डिजॉल्व हो जाएगा। हाँ सर। Yes. सर आपकी बात धीरे आ रही है एकदम। हाँ तो आप सुन लो थोड़ा पहले। आप गर्म पानी में, आपने बहुत अच्छा आंसर बताया बेटा। सर मारू ना रोने लगे। गर्म पानी में आपने डाल दिया, उसके साथ कुछ और भी कर सकते हो जल्दी डिजॉल्व करने के लिए। जल्दी आपको डिजॉल्व करना है। सर मारेंगे ना रोने लगेंगे। शांत रहो। सर मारेंगे ना रोने लगेंगे। आर्यन गुप्ता हो ना? आयुष, आयुष गुप्ता हो? म्यूट करने यहाँ से तुमको, बोलो। सर, सर आप क्या बोल रहे हैं? सर बोल रहा कि आपको मारेंगे। सर आयुष यादव, ओके ओके, आई विल कॉल टू योर पेरेंट्स, आई विल मेक कॉल टू योर पेरेंट्स।
आयुष यादव सर सर हाँ बोलो बेटा सर आपके पास सर आपकी आवाज नहीं आ रही है हाँ so what was going on in our discussion can hello, you tell hello. me can you suggest some ways to dissolve a bowl of sugar in 2 glass of water quickly जल्दी से आपको डिसॉल्व करना है तो आप क्या करोगे यू मे टेक हॉट वाटर एंड यू कैन स्टिर इट टू द सॉल्यूशन कंटिन्यूअसली आप लगातार उसको स्पून से स्टिरिंग कर सकते हो हिला सकते हो है ना लगातार चलाते रहोगे गर्म पानी का यूज करोगे तो आपका सॉल्यूशन पानी में जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा ओके हाँ बोलो बेटा सर आपकी आवाज धीरे आ रही है चलिए हाँ here is an experiment for you students on page number 64 here is an experiment on page number 64 सर म्यूट कर दीजिए आपका आवाज नहीं आ रहा है Now, students, look at the page number 64. Do this experiment. What is this experiment? How you will do it? Let us see. Make group of 4 friends. For the experiment, you will need 4-5 glass of bowls, spoons, water, and the things listed in the table. यहाँ टेबल में कुछ चीजों के नाम दिए हुए हैं वो सारी चीजें चाहिए आपको जैसे सॉल्ट हो गया सॉयल हो गया चॉक पाउडर है 1 स्पून मिल्क है और थोड़ा सा ऑयल है यू विल ऑल्सो नीड 4 or 5 bowls एंड स्पून ओके नाउ व्हाट यू हैव टू डू नाउ ट्राई टू डिसॉल्व 1 थिंग इन ग्लास अब एक ग्लास में आप एक चीज को डिसॉल्व करने का प्रयास करो एक ग्लास में आप सॉल्ट को डिसॉल्व करो दूसरे में सॉयल को तीसरे में चॉक पाउडर फोर्थ वन में 1 चम्मच मिल्क और 5th ग्लास में आप 1 चम्मच ऑयल को डिसॉल्व करने का प्रयास करो वॉट एवर टेक्निक यू कैन अडॉप्ट है ना आप कोई भी टेक्निक अडॉप्ट करके उसको जल्दी से जल्दी डिसॉल्व करने का प्रयास कीजिए And check yourself that which things dissolve in water and which one do not dissolve. Okay. And observe what happens and note down in this table. आप ये टेबल बनाइए अपनी कॉपी पर और देखिए करना क्या है आपको THINGS थिंक्स कौन सी चीज आपने ली है ना डिसॉल्व और नॉट और व्हाट हैपेंड आफ्टर keeping it for 2 minutes okay in this way you will prepare the table first here you will write the name of the thing sugar aapne chini liya isko dissolve kiya aapko chini usme solution mein dikhai de gayi hai nahi dikhai de gayi hai agar nahi dikhai de gayi iska matlab wo dissolve ho gayi hai agar dikh rahi hai iska matlab wo dissolve nahi hui hai agar dissolve ho jati hai आप लिख सकते हो डिसॉल्व और 2 मिनट बाद उसको स्टेबल छोड़ दीजिए एज इट इज बिना हिलाए हुए और फिर देखिए क्या होता है
क्या चीनी उसमें वापस दिखाई देती है या नहीं दिखाई देती है, तो आप उसमें चीनी को नहीं देख पाओगे, है ना। इसी तरह से आप शुगर ले सकते हो, है ना, सॉरी सॉल्ट ले सकते हो, चॉक ले सकते हो, चॉक पाउडर, सैंड, ये सारी चीजें आप पहले डिजॉल्व करोगे। अगर डिजॉल्व हो जाती है तो डिजॉल्व लिख दोगे, नहीं डिजॉल्व होती तो नॉट डिजॉल्व कह दो, है ना। और आफ्टर दैट इन थर्ड कॉलम ऑब्जर्व योर सेल्फ दैट व्हाट हैपेंस आफ्टर 2 मिनट्स, डज इट अपीयर ऑन द सरफेस और एट द बॉटम ऑफ द ग्लास और नॉट। वो चीजें आपको सरफेस पे या उनके बॉटम पे दिखाई देती हैं या नहीं दिखाई देती हैं। जैसे सैंड है, आप 2 मिनट बाद देखोगे कि जो रेत के कण हैं वो आपको बॉटम में, ग्लास के बॉटम में आपको सेटल दिखाई देंगे, बैठे हुए दिखाई देंगे। ऑयल जो है वो उसके सरफेस पे, पानी के सरफेस पे, सतह पे आपको तैरता हुआ दिखाई देगा। तो ये चीजें क्लियर करती हैं कि जो नहीं डिजॉल्व करने वाली चीजें हैं वो या तो उसके सरफेस पे या फिर तली में बैठी हुई दिखाई देंगी, और जो डिजॉल्व हो जाती हैं वो इनविजिबल होंगी, वो दिखाई नहीं देंगी। ओके, सो दिस वॉज योर एक्सपेरिमेंट, ट्राई टू डू इट एट योर होम, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू मे आस्क योर क्वेश्चन बिकॉज आवर क्लास इज गोइंग टू बी ओवर। स्टूडेंट्स, सर इसको घर पे करना है? हाँ, आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे कीजिए एक बार और देखिए कौन सी चीजें डिजॉल्व होती हैं और कौन सी चीजें डिजॉल्व नहीं होती हैं। ओके, चेक इट योरसेल्फ। सी, वॉइस इज नॉट क्लियर। हाँ, आ रही है आपकी आवाज। अगर आपको केवल ये चेक करना है कि कौन सी चीजें पानी में डिजॉल्व होती हैं, कौन सी डिजॉल्व नहीं होती हैं। डिजॉल्व कौन सी चीजें होंगी पानी में, जब उसको हिलाएंगे अगर वो दिखाई देती हैं तो वो डिजॉल्व नहीं हुई हैं, और नहीं दिखाई देती हैं तो वो डिजॉल्व हो गई हैं। तो पानी में करना है? हाँ, पानी में। देखो रेत के जो बहुत बारीक कण होंगे, हो सकता है पानी में जब आप डिजॉल्व करो उसको, स्प्रिट करो सॉल्यूशन को, तो आपको दिखाई ना दे बहुत छोटे कण होने के कारण। लेकिन जब आप 2 मिनट के लिए उसको स्टेबल छोड़ोगे बिना हिलाए तो क्या होगा, जो रेत के कण होंगे वो नीचे ग्लास के बॉटम पे आपको बैठे हुए दिखाई देंगे। क्या चीज? तो रेत यहाँ पर कैसे मिलेगा? सैंड पार्टिकल आपके, रेत नहीं मिलेगा कहीं से भी, आप थोड़ा सा मिट्टी ले लो, सॉइल भी ले सकते हो आप। हाँ, मिट्टी भी ले सकते हो, चॉक पाउडर भी ले सकते हो आप, या घर पे आपकी दूसरी जो भी चीजें अवेलेबल है जिनको आप चेक करना चाहते हैं कि वो सॉल्युबल है या नहीं, आप किसी भी चीज को ले सकते हो। आपके घर में भी बहुत सारी चीजें होंगी, आप देखो वो डिजॉल्व होती है या नहीं होती है। ओके, सर तो ये क्या लिखे सॉल्ट है, चॉक है, सैंड है, सॉयल ले सकते हो आप, दिखाई का है ना। इस तरह से कोई भी चीज आपके आसपास जो भी है उसको आप यूज कर सकते हो चेक करने के लिए कि वो सॉल्युबल है या नहीं है। ओके, और हमने जो एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, विच थिंग्स फ्लोट एंड विच वन डू नॉट फ्लोट एंड व्हाई इट हैपेंस, इस क्वेश्चन का आंसर लिख करके आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करोगे सभी लोग। सर आपका नंबर चाहिए। ओके, यू ऑल नो माय व्हाट्सएप नंबर ना? यस सर। सो राइट दिस आंसर इन योर ऑन अ ब्लैंक पेज एंड सेंड दिस आंसर टू मी। व्हिच थिंग्स, क्वेश्चन नोट कर लो, व्हिच थिंग्स फ्लोट एंड व्हिच थिंग्स डू नॉट फ्लोट एंड व्हाई, कौन सी चीजें, हाँ बोलो, कौन सी चीजें पानी में तैर, हाँ बोलो बेटा, हाँ हेलो, चलिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ बोर्ड पर, क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, आप नोट कर लो। यस सर। यस सर।